नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। यूपी के दो दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। आज जेपी नड्डा के दो दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है। थोड़ी ही देर में आगरा पहुंचेंगे नड्डा। आगरा में संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। शाम 3 बजे होटल SNJ गोल्ड में सम्मेलन होगा। कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। सम्मेलन में कई डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे जिन्होंने कोरोना के वक्त आम जनता की सेवा की। तो बड़ी और अहम जानकारी मिशन यूपी पर है जेपी नड्डा। 2022 की चुनावी रणनीतियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इस दौरान वो कई कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब होंगे और साथ ही सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि कितना वक्त और बाकी है नड्डा के पहुंचने। मोनिका, आपको बता दूं लगभग 11:15 बजे यहाँ जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। उनके साथ सीएम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। तो ब्रज क्षेत्र की जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। कहीं ना कहीं जो पहली बैठक होनी है वो ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ होनी है और दूसरी जो बैठक है वो जनप्रतिनिधियों के साथ होगी। दो बैठक यहाँ महत्वपूर्ण रखी गई है जिसमें कहीं ना कहीं जो 2022 है जीत का मंत्र यहाँ दिया जाएगा, किस प्रकार से जीत हासिल की जाएगी उसको लेकर यहाँ मंत्रणा होगी। उसके बाद एक कार्यक्रम जो रखा गया है वो 3 बजे कार्यक्रम है, SNJ गोल्ड में कार्यक्रम है। कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं उनका यह सम्मान किया जाना है। तो कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इसको माना जा रहा है क्योंकि दो दिवसीय दौरे पर है, मिशन यूपी पर है, दो दिवसीय कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। संजय, इसके साथ ही सुरक्षा की क्या कुछ इंतजाम है और इस आज उनके क्या कुछ प्रोग्राम रहेंगे? आपको बता दूं मोनिका, सुरक्षा का जो इंतजाम है वो चाक चौबंद व्यवस्था में कर की जा चुकी है क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ मौजूद रहेंगे, आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो इंतजाम है चाक चौबंद कर रखे हैं। आने जाने वाले को चेकिंग फिक्सिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा, चाहे नेता हो या कोई भी हो उसके बाद अंदर जाने दिया जा रहा। आपको दिखा दूं कि जिस प्रकार से पूरे होटल को सजाया गया है, कटआउट्स यहाँ लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट है और दूसरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के जेपी नड्डा उनका कटआउट है, तीसरे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटआउट है, बड़े कटआउट्स यहाँ लगाए गए होटल के बाहर। तो बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है जिसको लेकर लगातार यहाँ नेता पहुंच रहे हैं, ब्रज क्षेत्र से नेता पहुंच रहे हैं। इसके बाद कुछ देर बाद यहाँ जेपी नड्डा पहुंचेंगे, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे इस बैठक में। संजय, इसके साथ ही आज जो उनके प्रोग्राम रहेंगे, आज क्या कुछ प्रोग्राम रहेंगे, जो सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं उसमें कितने डॉक्टर शामिल होंगे? आपको बता दूं आज जो प्रोग्राम है सबसे बड़ी बात है कि ये होटल जो है इस होटल में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दो बैठक इसमें महत्वपूर्ण है, क्षेत्र पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक होगी, दूसरी बैठक जनप्रतिनिधियों के साथ होगी। तो लगभग 2:45 बजे जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से निकलेंगे। SNJ गोल्ड में कार्यक्रम रखा गया है, जो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स का वहाँ सम्मान किया जाएगा, वो एक कार्यक्रम रखा गया है। तो लगभग 5:30 बजे जेपी नड्डा यहाँ से रवाना होंगे। तो विशेष तौर पर कहा जाए कि दो जगह ये कार्यक्रम रखे गए, एक जगह बैठक है, दूसरी जगह जो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर है उनका सम्मान किया जाएगा। संजय, इसके साथ ही 2022 की रणनीति को लेकर भी किस तरीके से मंथन किया जाएगा, यहाँ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे नड्डा। आपको बता दूं हमारे जो यहाँ ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष हैं रजनीकांत माहेश्वरी, उनसे बात हुई, उनका कहना था कि ये जनरल बैठक है, हर महीने बैठक होती है लेकिन इस बार 2022 को लेकर विशेष बैठक रूप से रखी गई है। 2022 में जीत का मंत्र क्या होना चाहिए, किस प्रकार से प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको लेकर विशेष ये बैठक मानी जा रही है। उसको लेकर जो ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँच रहे हैं और दोनों डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जो है यहाँ स्वतंत्र देव सिंह वो मौजूद रहेंगे। तो कहने की 2022 को लेकर एक विशेष बैठक इसको माना जा रहा है। दो दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा है, पहला जो बैठक की गई वो लखनऊ में की गई, दूसरी ब्रज क्षेत्र को भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है तो ब्रज क्षेत्र में ये बैठक रखी गई है। संजय, इसके साथ ही जिन डॉक्टर्स का आज सम्मेलन है क्या वहां पर कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी होंगे जिन्हें सम्मानित किया जाएगा? बिल्कुल, डॉक्टर्स का जो सम्मेलन है उस डॉक्टर को अलग अलग प्रकार से यहाँ तय किया गया है जो कोरोना में उन्होंने काम किया है और कहीं ना कहीं वो सम्मान के
काबिल हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं वो डॉक्टर, तो उनका विशेष तौर पर सम्मान कार्यक्रम में यहाँ रखा गया है, जो कि एक अलग स्थान पर रखा गया है। एसएनजे गोल्ड एक होटल है, वहाँ यह पूरा कार्यक्रम रखा गया, वो अलग से रखा गया, बैटल रखी गई है। ठीक संजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तब से कुछ ही देर में जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे जहां वो सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनकी कई बैठकें होंगी, इस बैठक में भी वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और साथ ही 2022 की रणनीति को लेकर भी मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी के दो दिवसीय दौरे पर है जेपी नड्डा, आज जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन है और अब से थोड़ी ही देर में वो आगरा पहुंचे, वो एक बैठक को संबोधित करेंगे और साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब होंगे। शाम 3 बजे वो होटल एसएनजे गोल्ड में जाएंगे जहां पर सम्मेलन हो रहा है, कोरोना वॉरियर्स को वो संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में कई डॉक्टर्स शामिल होंगे, ये सभी वो डॉक्टर होंगे जिन्होंने कोरोना के दौर में आम जनता की मदद की, उनकी सेवा की, अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज किया। और वहीं हमारे संवाददाता संजय सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की, आइए सुनाते। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आगरा में ब्रजक्षेत्र की बैठक लेने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ब्रजक्षेत्र के अध्यक्ष का मौजूद है, उनसे बात करने की इसमें कोई मुद्दा नहीं है जी। मुद्दा तब होता है जब प्रेषित किया जाए, इसमें तो कार्य योजना है, पुरानी जो कार्य योजनाओं के आधार पर कार्यकर्ताओं ने काम किए और आज की बैठक में जो आगामी। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर सीएम योगी मौजूद है, साथ ही तमाम अधिकारी वहां मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है और जेपी नड्डा भी इस दौरान वहां मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं में भी खासा जोश नजर आ रहा है क्योंकि सभी को जिनका इंतजार था जब जेपी नड्डा वहां पहुंचे और 2022 की रणनीति को लेकर क्या जीत का मंत्र देंगे जेपी नड्डा, ये देखने वाले, जहां सीएम योगी के साथ ही तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और जेपी नड्डा आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो पहुंच चुके हैं वहां पर आगरा की, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जेपी नड्डा पहुंचे, जेपी नड्डा के साथ ही सीएम योगी और तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद है जो सभी नड्डा सबको संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सुबह यह आगरा का उनका दूसरा दौरा है जिसको लेकर वो कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, इसके साथ ही 2022 की चुनावों को लेकर मंथन किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आगरा में ब्रजक्षेत्र की बैठक लेने पहुंच रहे, हमारे साथ ब्रजक्षेत्र के अध्यक्ष का मौजूद है, उनसे बात करने की एजेंडा। इसमें कोई मुद्दा नहीं है जी, मुद्दा तब होता है जब प्रेषित किया जाए, इसमें तो कार्य योजना है, पुरानी जो की बैठक में कार्य योजना बनेगी और उस पर विचार होगा, कार्यकर्ता उसका प्रशिक्षण करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मासिक बैठकें होती हैं, चाहे वो बूथ स्तर, शक्ति केंद्र स्तर, मंडल स्तर, जिला कार्य समिति हो, क्षेत्र कार्य समिति हो, प्रदेश कार्य समिति हो, राष्ट्रीय कार्य समिति हो, महीने में एक बार बैठक। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेल्फ स्टार्ट है, 24 घंटे काम करता है। दो बैठक हो रही है, पहली बैठक संगठनात्मक है, दूसरी बैठक में मेरे मन से 2022 बात 2022 की नहीं है, हम 5 साल मेहनत करते हैं, हम कोई ऐसे दल नहीं है, बाकी जो और राजनीतिक दल है वो 6 महीने पहले और 3 महीने पहले मेहनत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहला चुनाव जीतने के बाद, परिणाम आने के बाद, उसकी समीक्षा होने के बाद पूरी 5 साल के लिए तैयारी करती है और हम हर वक्त जो है बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट है। हाँ 350 तो कहने के 350 के मंत्र के साथ ये जेपी नड्डा यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ बैठक कर रहे हैं और ब्रजक्षेत्र के पदाधिकारियों को वो मंत्र देंगे कि कैसे 350 सीट उत्तर प्रदेश में आए। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। और संजय सिंह हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं, फिलहाल क्या कुछ वहां का माहौल है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? कहने के जेपी नड्डा अब एयरपोर्ट पर पहुंच गए, उसके बाद सीधे होटल यहां पहुंचेंगे, होटल के बाद यहां बैठक शुरू होगी। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में काफी जोश खरोश है, जिस प्रकार से मंत्र 2022
को लेकर यहाँ विशेष बैठक होनी है, उसको लेकर सभी जो पदाधिकारी लगभग पहुंच चुके हैं, जो मुख्य जनप्रतिनिधि हैं वो उनके साथ यहाँ पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं दो बैठकें यहाँ होनी है जिसको लेकर जेपी नड्डा यहाँ पहुंच रहे हैं। पहली बैठक जो क्षेत्र के जो पदाधिकारी उनके साथ होनी है, दूसरी जो बैठक है वो जो क्या कहें जो पदाधिकारी उसके बाद कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक होगी। संजय, इसके साथ ही सीएम योगी भी वहां मौजूद हैं, और यूपी के कौन से वो दिग्गज नेता हैं जो इस दौरान मौजूद हैं, और साथ ही मीटिंग का आयोजन कब किया जाएगा, किस वक्त सम्मेलन होगा? आपको बता दें, जिस प्रकार से जेपी नड्डा आगरा पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में रहने वाले हैं, दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव मौर्य इस बैठक में रहने वाले हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह वो इस बैठक में रहने वाले हैं, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो जो पदाधिकारी हैं वो लगभग पहुंच चुके हैं। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के 2022 को लेकर बैठक की जानी है, तो कहीं ना कहीं सभी लगभग जो पदाधिकारी है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। उनके साथ एक विशेष बैठक होनी है, मंत्र 2022 यहाँ तय होना है, मंत्र 2022 को लेकर रणनीति तैयार होनी है, ये पूरी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल संजय, ठीक कहा आपने, इसे मिशन 2022 भी कहा जा रहा है क्योंकि आने वाले चुनाव है, और जेपी नड्डा का इस दौरान वहां पहुंचना और तमाम सभी कार्यकर्ताओं का जुटना, यहां पर वो जीत मंत्र भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आज जब वो उनका प्रोग्राम होगा, संजय डिटेल में बताएं किस वक्त ये प्रोग्राम होगा और किस वक्त अधिकारी वहां पर जमा होंगे। आपको पूरा प्रोग्राम मैं बता देता हूं। जेपी नड्डा सीधे यहाँ होटल पहुंचेंगे, यहाँ होटल में पहले जो ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, उसके बाद जो दूसरी बैठक रखी गई है कहीं ना कहीं वो लंच टाइम के आसपास ये दूसरी बैठक रखी गई है, जो बैठक रहेगी वो जनप्रतिनिधियां उनके साथ दूसरी बैठक रखेगी। उसके बाद 3:45 बजे यहाँ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो निकलेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहेंगे, जो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स का यहाँ सम्मान किया जाएगा। तो दो स्थानों पर ये कार्यक्रम रखे गए हैं, जो बैठक है बैठक को पूरे चाक चौबंद व्यवस्था से सुरक्षित किया गया है क्योंकि ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो यहाँ उसके बाद जो SNG गोल्ड है दो जगह ये कार्यक्रम होने हैं, तो दो जगह नियुक्त की गई हैं, पहली बैठक के लिए, दूसरा जो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं उनके सम्मान के लिए। संजय, क्या कोई जानकारी मिल पाई कितने डॉक्टर्स यहाँ पर शामिल होंगे इस सम्मेलन में, और जो डॉक्टर्स शामिल होंगे उनका किस आधार पर चयन किया गया है? कहने का जो डॉक्टर्स को चयन किया गया, जिस प्रकार से कोरोना काल में जिन डॉक्टर्स ने काम किया है वो खुद भी बीमार हो गए, खुद भी कोरोना से पीड़ित हो गए, तो ऐसे कुछ डॉक्टर्स को लिया गया है। कुछ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी हैं, कुछ अलग जो संस्था के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने लगातार कोरोना काल में काम किया, लगातार सरकार के साथ मिलकर काम किया है, तो ऐसे डॉक्टर्स का सम्मान किया जा रहा है, कोरोना वॉरियर्स उन्हें मानकर सम्मान किया जा रहा है। तो जो संख्या बल है, संख्या बल के आधार पर चीजें नहीं तय हो रही है, लेकिन यहाँ जिन्होंने काम किया है उसको लेकर चीजें तय की गई हैं। प्रशासन ने एक लिस्टिंग तैयार की कि किन किन डॉक्टर्स ने काम किया, उनके काम को देखा, उसके बाद उन्हें कोरोना वॉरियर्स मानते हुए उनका सम्मान यहाँ रखा गया है। विशेष तौर पर एक अलग कार्यक्रम पूरा तय किया गया है यहाँ। संजय, जैसा कि नड्डा इस वक्त आगरा में मौजूद है, तो क्या आगरा वासियों को कोई सौगात दे सकते हैं नड्डा? ओपन तो नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सम्मान समारोह रखा गया उसमें कुछ ना कुछ जरूर आगरा वासियों को मिल सकता है, क्योंकि आगरा बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। आगरा में 9 विधायक पूरे बीजेपी के हैं, 2 सांसद दोनों ही बीजेपी के हैं, तो आगरा बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। आगरा से राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी एक बार आ चुके हैं, बैठक कर चुके हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिस प्रकार से आगरा को महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रज क्षेत्र जो पूरा है, ब्रज क्षेत्र में विशेष तौर पर बैठक यहाँ रखी गई है, लखनऊ के बाद सीधे आगरा ब्रज क्षेत्र में दूसरी बैठक रखी गई है, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है ये पूरा ब्रज क्षेत्र। बिल्कुल ठीक कहा संजय आपने। इसके साथ ही संजय, तस्वीरों में हम देख रहे थे कि पूरे आगरा को उन्होंने जो तस्वीरें हैं वहां पर नड्डा की तस्वीरें दिखाई दे रही है, हर चौराहे पटे हुए हैं, वहां पर उनके स्वागत की तस्वीरें हैं, कार्यकर्ताओं में जाहिर सी बात है जोश होगा, और क्या कुछ वो मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। अब बिल्कुल कहना कि जिस प्रकार से मिशन 2022 के लिए हर पार्टी चुनावी मैदान में आ चुकी है, बसपा अलग अलग पार्टियों ने साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, तो क्या ये वजह है कि बीजेपी जो है वो अपनी चीजों को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है? क्योंकि बीजेपी नेता ने भी ये बयान दिया था कि यदि सारी पार्टियां ब्राह्मण के आगे नतमस्तक हो चुकी हैं, इसका मतलब ये बीजेपी की जीत है।
बिल्कुल कहीं ना कहीं ब्राह्मण कार्ड खेलने को लेकर बसपा तैयार हो चुकी है। ब्राह्मण कार्ड लगातार ब्राह्मण सम्मेलन किया था, उसको लेकर बीजेपी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है किस प्रकार से जो कुछ रूठे ब्राह्मण है उनको मनाया जा सके, ब्राह्मण को साथ लिया जाए, तो इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। लगातार बैठक में इसका मंत्र भी दिया जाएगा किस प्रकार से वो चीजें तय कर सकते हैं, मिशन 2022 को कैसे फतेह किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक संजय, कार्यकर्ताओं में कितना जोश देखने को मिल रहा है। मैं आपके पीछे तस्वीरें देख रही हूं जहां पर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है, सुरक्षा भी चाक चौबंद है। आपको तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं काफी जोश नजर आ रहा होगा आपको। सुरक्षा को बात की जाए तो सुरक्षा चाक चौबंद यहाँ कर रखी गई है। ये एंट्रेंस पॉइंट है, एंट्रेंस पॉइंट पर चेकिंग फिक्सिंग की जा रही है, उसके बाद ही एंट्रेंस दिया जा रहा है। लगातार नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, जो जो मीटिंग में रहने वाले हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखा गया है। कुछ ही समय में यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में रहेंगे। इसके साथ ही नड्डा का आज जो होटल में सम्मेलन है जिसमें डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, क्या वहां पर भी सीएम मौजूद होंगे? बिल्कुल, वो कार्यक्रम जो रखा गया कहने के सीएम उस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो आगरा के कोरोना वायरस डॉक्टर्स हैं उनका सम्मान यहाँ होना है, तो जो सीएम है सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लगभग 5:30 बजे तक का यह पूरा दोनों कार्यक्रम रहने वाले हैं, 11:30 बजे लगभग मीटिंग शुरू होनी है, उसके बाद 3:30 से जेपी नड्डा कार्यक्रम को खत्म करेंगे, तो लगभग ये 11:30 से 5:30 बजे तक का जो पूरा कार्यक्रम प्लान किया गया है। संजय, जो डॉक्टर सम्मेलन में शामिल होंगे क्या वो डॉक्टर सिर्फ आगरा के होंगे या पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स उसमें शामिल होंगे? कहने की क्षेत्र से इन डॉक्टर्स को लिया गया, खासतौर से आगरा के उसमें विशेष डॉक्टर रहेंगे। इस प्रकार से आगरा बड़ा एक हॉटस्पॉट रहा है उत्तर प्रदेश के लिए कोरोना को लेकर, उस दौरान जो काम किया गया आगरा में उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कोरोना वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स थे, उनका सम्मान यहाँ होना है। संजय, इसके साथ ही स्वागत के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जेपी नड्डा जब भी पहुंचते हैं प्रदेशों में उनका भव्य स्वागत किया जाता है, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखना होगा, ऐसे में सुरक्षा के और स्वागत के क्या कुछ इंतजाम है? स्वागत की बात की जाए तो जहां से जेपी नड्डा निकलेंगे उस रोड को पूरे होर्डिंग से पार दिया गया, लगातार जिस प्रकार से होर्डिंग्स वहां लगे हुए हैं, पूरे रोड्स पर लगे हुए हैं जहां उनका स्वागत किया जा रहा है। होटल में भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से होटल में व्यवस्था की गई है, होटल के एंट्री पॉइंट्स पर आप देख सकते हैं कि जो एक बड़ा होर्डिंग लगाया गया है, यहां देख सकते हैं कि जेपी नड्डा का उसमें तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, स्वागत के लिए पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा चुका है और लगातार कार्यकर्ताओं में जोश यहां देखने को मिल रहा है। और बीच में जब जेपी नड्डा वहां से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट से उनका स्वागत शुरू हो जाएगा और जो होर्डिंग है कटआउट से वो पूरे रोड पर लगाए गए हैं। संजय, इसके साथ ही बूथ मजबूती को लेकर भी क्या यहां पर नड्डा को संदेश दे सकते हैं, क्योंकि ये देखने को मिला है कि बूथ मजबूत यदि होगा तभी जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से चल पाएंगी और जो संदेश है पार्टी का वो हर जन तक पहुंच पाएगा। अब बिल्कुल, ब्रजक्षेत्र की जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है इसको, कहीं ना कहीं बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं के साथ ही ये बैठक को लेकर जो रणनीति है 2022 की उसको तय किया जाएगा, प्लानिंग तय की जाएगी, तो बूथ को बहुत मजबूत करना है आगे 2022 के लिए, इसको लेकर भी पूरी प्लानिंग की जा रही है। संजय, इसके साथ ही खुर्रम दत्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम ले लेते हैं जानकारी। खुर्रम, इस वक्त जब नड्डा वहां पहुंचे हैं क्या कुछ जामा थे, कार्यकर्ता जो है वो कितनी तादाद में वहां पहुंच चुके हैं? देखिए, भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा का अभूतपूर्व स्वागत भी हुआ है और तैयारी तो यही थी कि पुष्प वर्षा उन पर की जाएगी, लेकिन मकसद क्या है, देखिए बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वागत होना स्वाभाविक सी बात है और भारी संख्या में कार्यकर्ता ढूंढना भी स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि आखिर मकसद क्या है जेपी नड्डा का ब्रज क्षेत्र में पहुंचने का और आगरा में ताज नगरी में जिस तरीके वो मंथन का मकसद क्या है। मकसद साफ है कि 2022 को फतेह करनी है और ब्रज क्षेत्र में एक बार फिर काबिज होना है भारतीय जनता पार्टी को, ये उनका मकसद है, लेकिन इस मकसद में कामयाब कैसे होंगे, उसके लिए रोडमैप क्या है, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट क्या तैयार किया है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जब कल वो लखनऊ में थे तो यहाँ भी तमाम मंत्रियों से उनको मुलाकात हुई थी, तो चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो सबका रिपोर्ट कार्ड जेपी नड्डा पास मौजूद है, सब पे उनकी उन्होंने अपनी एक राय बना दी, लेकिन उनको ये भी देखना है कि जो क्षेत्र है उसमें जातीय समीकरण हो या फिर जो क्षेत्रीय समीकरण वो बिगड़े ना, उसी हिसाब से वो अपनी फील्डिंग वहाँ करेंगे।
तो अब देखना बात क्या है कि जब वहां से 7.5 घंटे का वक्फा बिताने के बाद लखनऊ वापस आएंगे, क्योंकि साथ में उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं स्वतंत्र सिंह वो भी हैं, तो लौट करके क्या कुछ मंथन का नतीजा निकलता है? क्योंकि देखिए, जब आप बड़ी चुनावी जंग उतरने वाले हों तो आपको अपनी जो ताकत है उसका तो एहसास होना ही चाहिए, लेकिन साथ में आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आपकी कमज़ोर कड़ी कौन सी है, उस कमज़ोर कड़ी को कैसे दुरुस्त किया जाए। ये वक्त रहते दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है और इसी काम में जुटे हैं जेपी नड्डा साहब। देखिए, एक अरसे से पिछले 2-4 महीने से लगातार केंद्रीय जो नेतृत्व है वो लगातार यहाँ के दौरे कर रहा है और 1-2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली जाकर के वहाँ मुलाकात कर चुके हैं। ये पूरी जो बात है, ये किस तरीके से अपने समीकरण को सही करना है, अपनी कमजोरी को पता करना, उसको मजबूती देना और साथ ही जो ताकत है उसमें इजाफा करना, ये पूरा रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, जो ऑब्वियसली हर पार्टी करती है, लेकिन क्योंकि सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी तो एंटी कंबेंसी फैक्टर भी उन्हीं के साथ चलेगा, तो उससे पार कैसे पाएंगे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो कोरोना की बात हो, क्योंकि ये सब चीज़ को लेकर के हमलावर है अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी पर, योगी सरकार पर। तो जाहिर सी बात है कि उसको जवाब कैसे देना है आपको, इस पर वो काम कर रहे हैं। साथ उनको ये भी देखना है कि क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण में जो संतुलन होना चाहिए वो संतुलन कैसे बनाया जाए, इस पर भी काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कुछ चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है, अब 15 अगस्त के बाद से या यूं कह लीजिए महीने ख़त्म होते होते सारे राजनीतिक दल अपने कैंपेन मोड में आ चुके होंगे, जो साथ बिक चुकी होगी, मोहरे अपने अपने बैठाने हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं सब चीज़ के लिए वृक्षेद पहुंचे हैं जेपी नड्डा साहब, तो देखना इसी बात को होगा कि जब वो यहाँ निकलते फीडबैक क्यों होता, क्योंकि वहाँ कोरोना वायरस को तो एड्रेस जरूर करेंगे, लेकिन साथ ही वहाँ के जो स्थानीय जो उस क्षेत्र के विधायक हैं, उस क्षेत्र के सांसद हैं, मंत्री हैं, उन सबसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आगे और रणनीति को बेहतर बनाना है। बिल्कुल ठीक कहा खुर्रम आपने, और इसी को लेकर आज आगरा पहुंच चुके हैं नड्डा और साथ ही उनके साथ योगी भी मौजूद है और 2022 के मंथन को लेकर ये बातचीत की जा रही है और बूथ लेवल को मजबूत करना सबसे बड़ी यहां पर संकल्प होगा। तमाम जानकारी के लिए खुर्रम, संजय, आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।